और बाड़ा गाड़ा प्रैक्टिस कड़ा करेंगे जी बाड़ ऊपर को बाजा पड़ी मुख से पैर हम दर्द हो जी ऊपर पक्कम भाई दड़ी सरकार तो समस्या खड़ी ना करे वही बहुत बड़ी बात है। हमें राय देना तो दूर की बात है। हिसार के महावीर स्टेडियम में एक बार फिर से भरा पानी, हर साल की समस्या, एक बार फिर बच्चे सीढ़ियों पर या सड़कों पर दौड़ने को मजबूर, चोट लगी तो कौन होगा जिम्मेदार। जी हाँ, ये दरअसल मुद्दा फिलहाल मैं उठा रही हूँ हिसार के महावीर स्टेडियम का, जहाँ हर साल जब भी बरसात आती है तो हिसार के महावीर स्टेडियम में यहाँ के नज़दीकी पार्क का कैंप चौक का पानी जो है भर जाता है, और हर साल जो है इसी सीजन में न जाने कितने बच्चों को चोटें लगती हैं। चोटें लगने का कारण भैया आप देखेंगे स्टेडियम में दूर तक पानी भरा है, घुटने से भी ज़्यादा, बच्चों को मजबूरी में इन सीढ़ियों पर दौड़ना पड़ रहा है। अक्सर जो है बीच में स्पीड में जो है बाधा आती है, उसके अलावा सीढ़ियों पर अक्सर पक्के में दौड़ने से पांव दर्द होते हैं, कई बार गिरकर के चोट भी लग जाती है, मगर उस बात की जिम्मेदारी लेना तो दूर, यहाँ महावीर स्टेडियम की सुध लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। खाना पूर्ति करने के लिए डीसी साहिबा अक्सर यहाँ पर आ जाती हैं, डीजे जो जनरेटर ऑन करने की जो है यहाँ पर नसीहत देकर के चली जाती हैं, मगर क्या जनरेटर ऑन करने से पानी निकलेगा, क्योंकि जहाँ जिस साइड पानी निकाला जाता है वो पानी घूम करके वापस महावीर स्टेडियम में आ जाता है। ऐसे में होता क्या है कि बच्चों को परेशानियां बहुत होती हैं। अब अगले महीने 13 अगस्त को भर्ती है, भर्ती के लिए एक महीना भी बाकी नहीं है। कोई यूपी से यहां आया है, कोई राजस्थान से या कोई हरियाणा के अलग अलग जिलों से, मगर अब तैयारी करें तो कहां, क्योंकि स्टेडियम तो पानी से लबालब भरा है। इस मामले पर हिसार स्टेडियम में तैयारी कर रहे कुछ युवाओं से चलिए बातचीत कर लेते हैं। तो भाई तैयारी करने वाले कुछ युवक मेरे साथ हैं, कितने दिन से आप यहाँ पर जो है स्टेडियम में तैयारी कर रहे हैं? मैम लगभग एक महीना हो गया है। एक महीना हो गया, और स्टेडियम में इतने ये पानी कब से भरा हुआ है? तीन दिन हो गए। अगली भर्ती कब की? 13 अगस्त। 13 अगस्त, यानी कि पूरा एक महीना भी बाकी नहीं है। बाकी नहीं। तैयारियाँ फिर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम तो पानी से लबालब है? मैडम सुबह हम सड़कों पर रेस लगाते हैं और शाम को टाइम हम सीढ़ियों पर रेस मारते हैं, ऐसी प्रैक्टिस चल रही है हमारी। चोट लगने का डर नहीं रहता है? रहता है मैडम, सीढ़ियों पे थोड़ी चिकनाहट हो गई, कांजी का वो हो गया और चोट लगने का डर है हमको। जी जी, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं आपको? परेशानियाँ ये आ रही हैं कि कभी भी हमको चोट लग सकती है, लेकिन सेना में जाने का जुनून है, पर क्या करें, बारिश हो आंधी तूफान, लेकिन हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सरकार ने जो हमारे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या करें, मेहनत तो अपन को करनी पड़ेगी। हमें काफ़ी समस्याओं का सामना उठाना पड़ रहा है, सुबह हमको रोडों पे दौड़ना पड़ता है, शाम को इन सीढ़ियों पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चोट का बहुत डर रहता है, लेकिन अब क्या करें। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिलहाल? अगर यहाँ इन सीढ़ियों पर आपको चोट लगती है तो क्या फिर उसकी जिम्मेदार सरकार होगी? क्या सरकार की तरफ से कोई रियायत मिलेगी क्या? सरकार तो समस्या खड़ी ना करे वही बहुत बड़ी बात है। हमें रियायत देना तो दूर की बात है जी। आज भी 2-3 बच्चे जी सीढ़ियों में प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम गिर गए थे जी। और ये पानी की जो समस्या है जी, पहली बार तो है नहीं जी, इसको पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जी। भर्ती का टाइम है जी, एक महीना भी हमारे पास है नहीं, सारे कोई यूपी से है जी, कोई राजस्थान से है जी, हम जिस तरह फतेहाबाद से हैं जी, दूर दूर से आए हुए हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। खर्चा भी लगता है जी, और फिर क्या फ़ायदा है, प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है। सड़क पे व्हीकल की दिक्कत रहती है जी, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता है जी कितनी खबरें आती है जी, तो प्रॉब्लम तो बहुत है मैम, पर क्या करें, फेस करना पड़ेगा मैम। आपको यहाँ पे किसी को कंप्लेंट की है, कोच वगैरह को बोलते हैं कि जी पानी निकलवाइए यहाँ से, पानी निकालिए? ये कोच वगैरह कुछ नहीं निकलवाते जी, पहले भी बहुत दिक्कत हुई है, पहले एक महीना लग गया था इसे पानी निकालने में, अब की बार ये भर गया, कोई ध्यान नहीं देता, वो एक इंजन खड़ा है वहाँ पे, उससे नहीं पानी निकलेगा, ये बहुत दिन सारा पानी आता है मधुवन पार्क का, लक्ष्मी भाई चौक का, या इनको इन पानी को रोक दिया जाए तो इसमें कुछ व्यवस्था बन सकती है, पानी कम हो सकता है। नमस्कार जी, एक बार तो देखो जी उ गद्दे अरे पड़े हैं जी पानी मर, वो नेट भी खराब होने लग रहा जी सारा, गेम वाले बालक का खातर, अरे सारा गेम वाले बालक से नहीं जीतने में जी, ये बांधे उन गेम की छुट्टिया, गेम की भर्ती भी आऊंगी, सारा सौदा हुआ जी, गेम के कंपटीशन भी आऊंगे, ये गेम वाले बालक कड़ा प्रैक्टिस करेंगे, गिरी सेंटर माड़ा सिंथेटिक वा, गेम वाले बालक का मामा जान को दें, ये भी पानी नहीं महीना रहेगा 2 महीने रहेगा, बालक ही भर्ती भी आएगी, क्या करेंगे बालक कड़ा, सारा सौदा ना सुरिया जी, पानी वाड़ा सारा गंदा नाला मधुबन का इसमाओ है, बाहर तौड़ा तो पानी आओ है, सारा ना सुरिया जी। शिकायत किसी को की है कोच साहब के थ्रू या किसी और को, किसी कोई कंप्लेंट डाली? कोच साहब तो जी उसके पास जावा जी, प्रियंका डीसी जी वहाँ काट देगी पानी पुणी, पसली गेड़ा भी जी कम तक कम भी 2-3 महीने पानी रहा था, और बाड़ा काट प्रैक्टिस कड़ा करेंगे जी बाड़ ऊपर को बाद पैरों में दर्द होगा जी ऊपर पक्कम भाई जुड़ी,
क्या लग रहा है? पिछली बार डेढ़ दो महीना लग गया था, आपकी बार जल्दी निकल जाएगा या अभी वही डेढ़ दो महीना खा के निकलेगा? इतने दिन लगता है जी, बंदो कोई उम्मीद नहीं है। आज गए थे जी डीसी, आज डीसी के पास भी गए थे जी। कचहरिया दो घंटे में सुझाव दे देंगे, कोई फैसला को नहीं आया। दो घंटे में सुझाव देने का मतलब अभी तक उनका कोई फैसला नहीं आया, दे दिया गया फैसला नहीं आया है जी। उम्मीद है कुछ कि पानी निकल जाएगा आपकी तैयारी से पहले? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है जी। देखो 10 दिन पानी तो ये सूखेगा नहीं, 10 दिन तक अगर निकाल दे तो बहुत अच्छा है। भर्ती सिर्फ प्यारी है जी, बिल्कुल 13 तारीख से भर्ती स्टार्ट है सारे। खैर भाई, आपने देख लिया कि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब कमाल की बात ये देखिए कि 13 अगस्त को भर्ती है और 15 अगस्त को जो है यहाँ पर जो है पूरा प्रशासन इकट्ठा होगा, शायद 15 अगस्त के लिए जो है यहाँ से पानी निकाल दिया जाए। मगर यही पानी खिलाड़ियों के लिए क्यों नहीं निकाला जाता है, दिखावा किया जाता है हमारे देश की आज़ादी स्वतंत्रता को जो है सेलिब्रेट करने का। मगर हमारे देश की इस सेलिब्रेशन से क्या हमारे देश के युवाओं का भविष्य ज़रूरी नहीं है? सवाल बड़ा है, खैर जवाब देने वाला जिम्मेदार इंसान मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।